गुजारा भी नहीं होता। जुगतबाज फैसलाबादी और लाहौर से आई हुई आवाम जो पहली दफा फैसलाबाद देखती है। जो भी चीजें होती हैं उन पे बहुत सख्ती होती है। बहुत कुछ बह गया हमारा यहाँ पे, बहुत कुछ बह गया। बहरिया में प्लॉट नहीं है, एक दो स्टूडेंट्स की कपल्स की शादियाँ शुदियाँ हो सकती हैं यहाँ पे। आई फील एनकेज्ड है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अब्दुल वहाब इज हियर विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज मैं सिंच FMU के इनविटेशन पे आया हूँ, जिसके प्रेसिडेंट हैं मुशर्रफ आरिफ। और मुशर्रफ, ये सिंच का पर्पस क्या है? सिंच दरअसल एक सोसाइटी है जो लोगों की अवेयरनेस के लिए काम करती है। तो कीप सपोर्टिंग देम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द फर्स्ट वर्ड कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट PMC? फैबुलस। मदरसा जामिया, जेल, लव। टेढ़ा है पर मेरा है। बहुत अच्छी जगह है, जन्नत है ये तो। बोर्डिंग स्कूल। स्कूल फ्रीडम। यहाँ पे फ्रीडम है। ऐसी प्रॉक्सी लगती है कि आप सोच, हम बहुत प्रॉक्सीज लगवाते हैं। अच्छा, रोज गार्डन, कैडेट कॉलेज, हॉस्टल ओनली। टेढ़ा है पर मेरा है। डल। आई फील एनकेज्ड है। कैफे बैग। यूनि विद यूनिफॉर्म। प्राइमरी मेडिकल सेंटर। छोरा रोज गार्डन। मदरसा। जलालत, जलालत। दरख्त। दरख्त भी होते हैं और पेंडू। हमने हमेशा यही सुना है PMC में पेंडू होते हैं। The best thing about PMC, यहाँ की इलायची वाली चाय, कार्डमम टी। सीनियर जूनियर रिलेशनशिप यहाँ का। एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, 10-10 लोगों की क्लास है। टीचर हर बच्चे पे इतना फोकस करते हैं और कमाल हमारे टेस्ट होते हैं। आगे से कि हमें यहाँ पे फैसिलिटी सेम, फॉर एग्जांपल AC हमें अलाउ है। अच्छा, ठीक है। और कारपेटेड रूम्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये है कि हम स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलते हैं। मैं क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, बास्केटबॉल, तकरीबन सर हर एक गेम्स खेलता हूँ। यहाँ पे जो स्पोर्ट्स, सारे मेडिकल कॉलेजेस में स्पोर्ट्स वीक होता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स मंथ, बल्कि आप कह लें 3 महीनों तक भी चलता है, तो स्पोर्ट्स ट्राइमेस्टर हो जाता है। यहाँ की हॉस्टल लाइफ बहुत फिट लगती है, बाकी कॉलेजेस में भी देखिए यहाँ की लाइफ बहुत मजा। क्यों यहाँ पे सोए रहते हो, मतलब क्या हॉस्टल लाइफ के? सोए भी रहते हैं और मतलब यहाँ पे पॉलिटिकली भी थोड़ी ज्यादा है, तो मतलब हलचल मची रहती है। पॉलिटिक्स है यहाँ पे, पॉलिटिक्स भी हलचल मची रहती है, मजा है बस हॉस्टल में एक अलग। छिछोरा गार्डन, बेस्ट 20 ऑब्वियसली। PMC में पढ़ाई जरूर है, ये बात में आप जितना कर लो लेकिन पढ़ना पड़ता है, और वो पढ़ाई एक अच्छी चीज है। एक पढ़ाने का सिस्टम बहुत अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, और मतलब सारा एकेडमिक अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही है। सही है, ठीक है। इंटरेक्शन, कैंपस की ग्रीनरी, पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। हम गाड़ियों की अच्छी कलेक्शन है PMC में। अच्छा, हर बंदा जो नया आता है नई गाड़ी लेके आता है हर रोज, जो है ना हम नई टायर बड़े फेवरेट होते हैं। नई गाड़ी देखने को मिलती है हर रोज, जो है ना यहाँ पे फॉर्च्यूनर से लेके मर्सिडीज, जो है हर चीज मिलती है फॉर्च्यूनर से लेके मेहरान तक, लश पश फुल बात है। अच्छा, ये मैं समझ नहीं रहा, पता नहीं कौन सी गाड़ियों की बात कर रहे हैं। PMC में ऐसी वर्स्ट थिंग कौन सी है जो आपको कि ये नहीं होनी चाहिए थी, इसके बगैर PMC बहुत अच्छा था? इन्होंने नहीं पहना, हमने नहीं पहना, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म है। तो क्या आप लोगों को फाइन होगा अगर यूनिफॉर्म नहीं है? हमारी एब्सेंट मार्क होती है, अटेंडेंस कट जाती है। अटेंडेंस से लगती होती है अगर यूनिफॉर्म में नहीं है। अच्छा, PMC में यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, मतलब फिर आप लोग अटेंडेंस बहुत बुरी चीज है। अटेंडेंस बहुत, अटेंडेंस फॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। अब हम बड़े हो गए हैं, प्लीज। अच्छा, PMC में यूनिफॉर्म है। हाँ, यूनिफॉर्म। और ये जो डीबार कर देते हैं, ये भी बहुत एक ओवरऑल नहीं है, 5 एब्सेंस कहीं नहीं गई, दैट इज द वर्स्ट। दिस इज नॉट गुड। 85% पासिंग परसेंटेज, 75% अटेंडेंस, यूनिफॉर्म। अब मैं लिस्ट दे दूं, आप लड़के फाइनल, हाँ लड़के नहीं होने चाहिए, लड़के नहीं होने चाहिए थे, स्पेशली बेस्ट 20 के। VC चीटिंग,
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सही है। जो बच्चे शीट एक्सचेंज करते हैं वो तो मुझे ज़रा नहीं पसंद। यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में रिस्पेक्ट नहीं करते अगले बंदे की। ये जो टीचर्स उस चीटिंग को इग्नोर कर देते हैं बड़े हमें बुरे लगते हैं। पूरे पीएमसी में खराबी इन्होंने की हुई है। आप मुझे थीटा लग हम सारे थीटे हैं। हाँ, मुझे तो यहाँ के रूल्स जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब मुझे लगता है कि कोई कैडेट कॉलेज में आ गए हैं। वो चीज़ मुझे बिल्कुल। उसके बाद ना पीएमसी के लड़के कैसे हैं? पीएमसी के लड़के गुजारा हो जाता है, गुजारा हो जाता है। और आपसे ही क्वेश्चन है कि पीएमसी की लड़कियां कैसे? गुजारा भी नहीं होता। ये नहीं पूछते। रूल बनाया हुआ है कि हमें लड़के ना नजर ही नहीं आते। हमारा रूल ये है कि हमने लड़कों को, मतलब लड़के हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे हम कॉरिडोर में अगर लड़कों से भरा होता हम ये कहते हैं कोई भी यहाँ पे नहीं है, खाली है। हम लड़कों को हम देखते ही नहीं है, लड़कों वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे लड़कों में। इसके लिए तो मर्द होना चाहिए। देखिये हम बड़े शरीफ बंदे हैं, इस तरह की बात जो है हमारे सामने ना करें, यकीन माने। टोपियाँ कितने डाली? कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ बहुत बुरे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं। भाई हमारे भाई हैं सारे, ऐसे ऐसे हैं और फिर अच्छी भी हैं कुछ बीच में, लेकिन मोस्टली गुजार रही हैं बस। बहुत शरीफ हैं। कभी आप देखिए कि 14 फरवरी पे आके टोपी रख के हाथ में तस्बीह पकड़ कर आते हैं, माशाल्लाह सफेद कुर्ता सलवार। नहीं यार, कुछ लड़कियाँ मतलब प्यारी हैं जो फैसलाबाद में, मुझे इतना उसे नजर नहीं आया वैसे। हाँ ये लाहौर थोड़े फारिग है लेकिन ठीक है। डिपेंड करता है कि बंदा बंदे को कैसी चाहिए, मतलब है अच्छी भी है प्यारी भी है। और पीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है? एडमिनिस्ट्रेशन कहती है खुद ही अपने मसले हल करो। एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं सही, सोसाइटी इज एक्टिव। एडमिनिस्ट्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं हल कर, सच्ची है बस। सपोर्टिव है बस, 5-6 चक्कर लगवाने पड़ते हैं बस। बस यार ऐसा सीआर मैंने देखा है 2 साल इसको बड़े गौर से, तो ये है कि कुछ जगहों पे लैगिंग आती है लेकिन वैसे ओवरऑल अच्छे बंदे भी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सख्त है यहाँ पे, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उन पे बहुत सख्ती होती है यहाँ पे। अभी तक कोई स्टूडेंट्स यूनियंस नहीं है, जो पार्टीज हैं यहाँ पे MSF है, जमीयत है, तो वो भी ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करते स्टूडेंट्स। बस इसका जवाब आपको पता ही है, बस इसका जवाब तो वीडियो देखने वालों को पता है। जूतियाँ मार के निकाल लेते हैं उनसे भूलने जाओ तो इससे और क्या गैर निकाल सकते हैं। 2 टके की इज्जत नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट की। किस लेवल पर देख सकते हैं ये खड़ी है हमारी टॉपर माशाल्लाह से सेकंड पोजीशन, ठीक है। और लेवल ऑफ टीसी बहुत ज्यादा है, आप अगर टीसी करते हैं तो आपकी डिस्टिंक्शन आ जाती है, आप नहीं करते हैं तो आपकी नहीं आती। अगर आपने डिसीजन लिए तो टीसी को आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं यार किसने कहा है, टीसी के लिए वर्ड है यहां हमारे सामने सब रूप है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं है। It is 99.999%, rather I would say it is 101%. I don't know. हमने सिरकते नहीं की फिर अजीज यहाँ पे बैठे, लोग हमें जानते हैं नहीं, इसीलिए तो यहाँ पे आसमान का है, आसमान का है। गर्ल्स साइड पे तो नहीं है, बॉयज में तो होगा बल्कि है, जीरो गर्ल फ्रॉम गर्ल्स और बॉयज की तरफ से बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा है। और आप करोगे तो आप आगे निकल जाओगे, अदरवाइज फिर बैठे रहोगे यहाँ पे जैसे हम बैठे हुए। टीसी पे चलती है ये दुनिया, टीसी चलती है, चलती है, बहुत चलती है, फेवरेटिज्म करती है, टीसी चलते हैं टीसी पे। फेवरेटिज्म से क्या, फेवरेटिज्म से क्या फायदा हो सकता है यहां? अटेंडेंस पूरी होती है, अटेंडेंस से लेके सोसाइटी, सोसाइटीज में एंट्री और सब कुछ। अच्छा सोसाइटीज में एंट्रीज के लिए भी फेवरेटिज्म? फेवरेटिज्म बिल्कुल है, नंबरों के लिए, नंबरों, वाइवास, अटेंडेंस, हर चीज में बहुत टीसी है। पीएमसी का माहौल कैसा है? कंजर्वेटिव है, ओपन माइंडेड है, मिक्स कंजर्वेटिव है?
जैसा फैसला बाद का माहौल है ना, मीडियम ऐसा ही है यहाँ पे। कंजर्वेटिव भी हैं लोग और कुछ ओपन माइंडेड भी हैं, कुछ नैरो माइंडेड भी हैं, लेकिन अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल, मिडवे चलता है ऑब्वियसली। कंजर्वेटिव जैसे माहौल कंजर्वेटिव है, लेकिन अगर खुद से इसे ठीक करना चाहो तो सही भी है। अच्छा, मतलब आई थिंक समवेयर इन बिटवीन कंजर्वेटिव और मीडियोकर, मतलब उनके दरमियान में कहीं। अच्छा, मतलब क्या चीज है? माहौल कंजर्वेटिव है, हाईली कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है पर डिपेंड करता है आप पे खुद पे। जो यहाँ पे फंक्शंस होते हैं उसमें डांस अलोन नहीं है, इवन की मेल्स को भी। ज़्यादातर लोग कंजर्वेटिव हैं, लेकिन हर बैच में 10-15 बच्चे ओपन माइंड होते हैं, अगर आपने उसका कंपनी वगैरह बनाई तो सही सेट है। यार लिमिटेड मेंटालिटी। पीएमसी में क्या कहते हैं, फंक्शंस और इवेंट्स और सोसाइटीज वगैरह का क्या स्टेटस है? यार घसीटू प्रोग्राम है, इट बुटो सोसाइटी है। यार पहले तो कोई सोसाइटी नहीं होती थी, अब हर बंदा ही प्रेसिडेंट है। Not very active, honestly. सब में जाके देखा है, they're not really very active. उसकी सारी funding वगैरह students कर रहे होते हैं तो लेकिन और activities भी काफी हैं, होते हैं काफी अच्छे होते हैं, मतलब as compared to other colleges, बहुत इस तरह हमारी opening अगर देखें तो other colleges तो बस चला रही हैं, नाम हैं, presidents हैं और कोई खास क्लास चीज नहीं ज्यादा है, बहुत अच्छा है, लेकिन है। लेकिन हमें देखने में नहीं, बिल्कुल जीरो, मतलब स्पोर्ट्स होती हैं और मैचेस होते हैं पर पर्दे में ही है, पर्दे में पर्दे स्पोर्ट्स पर्दे होती हैं, ऑडियंस बिल्कुल नहीं होती है। ऑर्गेनाइज्ड है स्पोर्ट्स ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, लड़कियों की स्पोर्ट्स लड़के नहीं देख सकते? नहीं नहीं, लड़कों की लड़कियां भी, लड़कों की भी लड़कियां नहीं देख सकती। कभी किसी इवेंट पे एक्टिव हो जाती है मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम। वो पीएमसी में कपल्स वगैरह का क्या सीन है? हम शदीद सिंगल लोग हैं, शर्म करो ऐसे सवाल पूछते हैं। कपल क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, कपल क्या होता है यार? पाप है, पाप। यार कपल क्या होता है? कपलिंग होती है फिजिक्स वाले कपल्स, यू नो, टू इक्वल एंड ऑपोजिट। कपल्स हैं, बहुत हैं, इसका मतलब ये नहीं कंजर्वेटिव, लेकिन कम है रश। आप दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में जाएं, लेट सपोज सलाम इकबाल, किंग एडवर्ड, इन मेडिकल कॉलेजेस में जाओ तो वहाँ पे आपको रेशो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई कपल होता भी है तो वो अपने आप को बाहर लाना नहीं चाहता, वो एक्सपोज करना नहीं चाहता, और यहाँ पे जो एक थिंकिंग होती है लोगों को जज करना, वो यहाँ पे ज्यादा है। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी माहौल हो, सही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन बना के फिरे, गर्लफ्रेंड बना के फिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें तो। माशाल्लाह हम बहुत शरीफ बच्चे हैं, बोल तो हम देखते नहीं हैं, कभी कभी कुछ बहन भाई हमें नजर आ जाते हैं, हम सोच लेते कोई बात नहीं, बहन ही है, खैर है कपल्स का। लेकिन आई थिंक अब अच्छा हो रहा है क्योंकि रेशो बढ़ती जा रही है couples. तो यानी क्रिटिसिज्म कम हो गया है तो बढ़ती जा रही है हमारी दफा कम। मसला यह है कि जो जेन्युइन कपल्स है ना, उनकी रेशो कम ही हो रही है और जो मौसमी है उनकी बढ़ती जा रही है। मौसमी फाइनल ईयर तक कोई नहीं पहुंचता, फाइनल ईयर तक कोई नहीं पहुंचता। बहुत लिबरल इस मामले में, इस पीएमसी की तरह फ्रीडम जैसी मर्जी। हम पीएमसी को बाकी मेडिकल कॉलेज से कंपेयर करें, अलामा इकबाल हो गया, किंग एडवर्ड हो गया, ठीक है, आप पीएमसी को कितने नंबर दोगे आउट ऑफ 10? 12 10 out of 12, वो तो कुछ भी नहीं है जो आके, क्या किंग एडवर्ड है, अलामा इकबाल है, RMU है, इतने इतने से हैं पीएमसी के सामने, कुछ नहीं है। पीएमसी इज द बेस्ट, पीएमसी बेस्ट, पीएमसी बेस्ट। 5 out of 10 7 10 8 या 8 तो दूंगी, 9 7 10 में से 10 कंपेयर करना बनता ही नहीं है, नो कंपैरिजन, क्योंकि हमने देखे ही नहीं वो। देखा होता तो शायद 3-4 मतलब दिखा देते, लेकिन अब 10 में से 10 6 6 4 6 7 6.25 820 दूंगा। I'll say a full 10 दिल से मार्क्स दूं तो 10 दूंगी, अगर दिमाग से दूं तो 7 7 15 मेरी तरफ से 10 out of 10, क्योंकि मतलब इंजॉय बहुत किया है कॉलेज में, जो हुआ हुआ, हॉस्टल में हमने बहुत इंजॉय किया, उस हिसाब से हॉस्टल लाइफ इंजॉय की। अब मेरा भी ऐसे है, सिर्फ हॉस्टल लाइफ इंजॉय हो रही है, कॉलेज में जो है ना, कॉलेज में मतलब कॉलेज में 2 नंबर दे दो। हाँ, कॉलेज की सिर्फ बिल्डिंग अच्छी है और कोई अच्छी नहीं। ये वीडियो मुश व्लॉग्स और अब्दुल वहाब की कोलैबोरेशन से थी। इनके पेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। पीएमसी जिंदाबाद, पीएमसी जिंदाबाद।